दोस्तों आपने रॉकी भाई यानी कि यश को गुंडों के साथ लड़ते हुए केजीएफ में देख ही लिया होगा और किस तरीके से रॉकी भाई गुंडों की पिटाई करते हैं ये भी आपने केजीएफ 1 और केजीएफ 2 दोनों ही पार्ट में देख लिया था। लेकिन दोस्तों क्या आपने रॉकी भाई को रियल लाइफ में शेर के साथ लड़ते हुए और शेर के साथ पंगा लेते हुए देखा है? और अगर नहीं देखा है तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ आज की इस वीडियो में। देखिए दोस्तों फिलहाल अगर रॉकी भाई यानी कि यश की बात की जाए तो वो किसी भी मूवी की शूटिंग में बिजी नहीं है और अपनी फैमिली के साथ दुबई में वैकेशन एंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों इसी वैकेशन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें रॉकी भाई यानी कि यश रियल शेर के साथ मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ शेर रस्से को खींच रहा है तो दूसरी तरफ से रॉकी भाई भी पूरा जोर लगाकर रस्से को खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि तू होगा भले ही जंगल का शेर लेकिन इस दुनिया का रियल शेर तो मैं ही हूं। और दोस्तों इतना ही नहीं उसके बाद रॉकी भाई ने शेर के पास बैठकर फोटो भी खिंचवाई है और दोस्तों केवल शेर ही नहीं बल्कि जिराफ को खाना खिलाते हुए भी रॉकी भाई नजर आए हैं जिससे साफ पता चलता है कि रॉकी भाई केवल फिल्मों में ही निडर नहीं है बल्कि रियल लाइफ में भी वो काफी निडर हैं और जानवरों से कितना प्यार करते हैं ये भी हमें साफ साफ इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि जैसे ही रॉकी भाई अपना वैकेशन खत्म करके दुबई से लौटते हैं वो केजीएफ 3 की शूटिंग में लग जाएंगे प्रशांत नील के साथ और उससे पहले वो प्रभास के साथ सालार के प्रमोशन के दौरान भी देखे जाएंगे। देखिए प्रशांत नील ने रॉकी भाई से रिक्वेस्ट की है कि सालार के प्रमोशन के दौरान वो इंडिया में ही होंगे और प्रभास के साथ काफी ज्यादा इवेंट्स भी अटेंड करते हुए नजर आएंगे। बाकी दोस्तों जो भी कहो जिस तरीके से रॉकी भाई दुबई में अपना वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं वो देखकर काफी मजा आ रहा है। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर कितना मजा आया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।